यस गाइस, एल्विश यादव रोस्ट वीडियो। वैसे मैंने चैनल पे अभी तक किसी को एंड टू एंड रोस्ट तो नहीं किया, मैंने बस लोगों से मजे लिए हैं। और ये वीडियो भी रोस्ट एक्सपोज क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, तुम लोग खुद डिसाइड कर लेना। और इस वीडियो को बनाने का रीजन बहुत ही सिंपल है, कुछ दिनों से मेरा सिस्टम बहुत डाउन चल रहा है तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। आई होप एल्विश आर्मी वाले मेरा कमेंट सेक्शन में सिस्टम अपडेट कर देंगे। लेट्स गो गाइस। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं एल्विश यादव के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल रखा है इंटरनेट पे और कुछ ने तो एक्सपोज भी कर रखा है दो दो बार। वो बात अलग है कि एल्विश यादव इंटरनेट पे खुद हिपोक्रिट बनता है एंड उसी क्लिप्स को लोग अपने वीडियोस में दिखाकर उसे एक्सपोज बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे पड़ी होती है एल्विश यादव की। सेंस बन रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, लोग जोक जुक्स कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई नंगे आदमी को एक्सपोज कैसे कर सकता है दो दो बार। इसलिए आज की वीडियो में मैं सिर्फ जोक जुक्स करूंगा, जिसके लिए एल्विश आर्मी मुझे हेटर बोलेगी एंड पीपी पोपो मुझे इमेच्योर एंड इनसेंसिटिव। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ है गंदा ह्यूमर और गंदी शक्ल का मिक्सचर जब बन जाता है ना तो ये निकल के आता है। इसके 13 मिलियन फॉलोअर है यार भाई, वो जहर मंगाया था आगे का, अच्छा गेट पे खड़ा है। तो शुरू करते हैं सबसे हॉट टॉपिक से, एल्विश यादव रेप पार्टी एलिगेशन। एलिगेशन इसलिए क्योंकि अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ उसके अगेंस्ट में, और मैं फालतू की बातें बोलकर इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता हूं इस टॉपिक पे। इस न्यूज से मुझे एक नई बात पता चली कि लोग सांप के जहर से भी नशे करते हैं, जिस पे मैं अपना यही ओपिनियन देना चाहूंगा कि क्या दिक्कत है यार, मतलब ठीक ही तो है, जय बाबा भोले की बोलकर अलाउड तो होना चाहिए ये भी, क्योंकि बाकी सब भी अलाउड। भाई आशीर्वाद देते हुए पर एल्विश यादव के ऊपर ये कोई पहला एलिगेशन नहीं लगा है, उनके ऊपर पहले भी गमला चोरी करने का एलिगेशन लग चुका है। और इस पे मैं तो यही सोचता हूँ कि एल्विश यादव गुड़गांव से है तो इतने एलिगेशन लग रहे हैं, अगर दिल्ली से होते तो अभी तक करियर खत्म हो जाता। लॉकडाउन के टाइम पर जब एल्विश यादव अपने व्लॉगिंग चैनल में रोस्ट वीडियोस डालते थे तब उनका कुछ ऐसा ओपिनियन था। भाई देखो, गलती सबसे होती है, इंसान से ही होती है। अब तू तो फिर भी सही बताऊं, तू जानवर ही है, बट कोई बात नहीं, चल भाई एक सॉरी बोल दे ताकि स्टोरी पे कि भाई मेरी तरफ से सबको सॉरी, जो जो मेरे से ऑफेंड हुए, मेरे को नहीं करना चाहिए था, पर नहीं, हमारे भाई में इतनी ऐट भरी पड़ी है, सॉरी ना बोल रहा, करा कि ये लोग ना मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं यार। लेकिन अपने लेटेस्ट व्लॉग्स में एल्विश यादव रेसिज्म एंड मिसोजिनी करने के बाद भी अपने चैट पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं। तो लड़कियां दिखाता हूं भाई आप लोगों को, ठीक है, लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा, नहीं मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई, कह रहा है एक तो लड़की के रूप में लड़का था, तो फीमेल है उसको यार आप किसी भी तरह का दर्जा मत दो, वो मेल के बराबर है ही नहीं। इन्द्र देख लिया मुझे भाई, ये जैकेट तक अति घना कलर मैच ना कर रहा है इसका। तुम इंडिया में रहते हो और इतना वोक कल्चर फॉलो मत करो, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला इधर नहीं चलता भाई, वो भाई साफ तो हो जाएगा ना, ये अभी साढ़े परमानेंट हो, ये नहीं, ये थोड़ा लेट होगा, फिर मेरे पब्लिक स्टोरी डालेगी ब्लैक लाइव्स मैटर। Which I think is pretty logical, क्योंकि एल्विश भाई के हिसाब से हमारे कल्चर में तो ऐसे ही होता है, हमारे कल्चर में तो कैजुअली रेसिज्म होता है, कलरिज्म होता है, बॉडी शेमिंग होती है, ये तो खून में हमारे, गलत होगा दूसरी कंट्री में, हम क्यों उनसे सीखे वेस्टर्न कल्चर, देसी रहे, हुक्का फूक, वेप छोड़, ठीक है, तेरे निप्पल देखे काले एल्विश भाई के देख, भाई कलर मैच कर ले, कर लो, आ जा, ले, ठीक ठीक। ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता कि एल्विश यादव इतना चूतिया कि उसने वो रेसिज्म वाला पार्ट अपने वीडियो में ऐसे ही अनइंटेंशनली डाल दिया, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी ये सब बोलने के बाद उसे एडिट में तो हटा ही देगा, और एल्विश भाई के तो 12 में 94% आए थे, मेहनत करी फिर 94% आए। बिग बॉस OTT सीजन 2, जहां पर यूट्यूबर सालों से बिग बॉस को एक घटिया एंड फालतू टीवी शो बोलकर रोस्ट करते आ रहे हैं, इस एक सीजन ने पूरा मार्केट ही बदल दिया, क्योंकि इस बार अपने YouTube कम्युनिटी से दो यूट्यूबर्स भी बिग बॉस में चले गए और ऑडियंस ने भी अपने अपने फेवरेट यूट्यूबर को दबा के सपोर्ट किया। अब बताओ यूट्यूबर ज्यादा बड़े दोगले या ऑडियंस? शो के विनर बनते अपने एल्विश भाई, क्योंकि रहना तो सिस्टम के नीचे ही पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू एल्विश आर्मी, एल्विश यादव के जीतने का सबसे बड़ा रीजन था उनका डाउन टू अर्थ होना। डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ।
जिससे मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। एल्विश भाई इतने डाउन टू अर्थ है कि लोग उनके घर को प्यार से सिमेट्री बोलते हैं। एल्विश भाई इतने डाउन टू अर्थ है कि सुबह आंटी उन्हें कॉफिन ठकठका के उठाती है। एल्विश भाई इतने डाउन टू अर्थ है कि शैतान भी उनके सिस्टम सिस्टम करने से परेशान हो चुके हैं। लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश भाई बदल गए, ये मेरा एंड उनके फैंस दोनों का कहना है। क्योंकि बिग बॉस जीतने से पहले एल्विश भाई सलमान खान के लिए कुछ ऐसा कहते थे, भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, माँ दो, बात खत्म, उसकी माँ दो, गाली बको बहन, ऐसा कर दो, अकाउंट उड़ा दो उसका, एक काम करो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। और बिग बॉस जीतने के बाद कुछ कहते ही नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम, बिग बॉस जीतने से पहले एल्विश भाई रील्स के लिए कुछ ऐसा कहते थे, भाई मतलब इस जोकर में ऐसा टैलेंट है कि ये ऐसा मुंह बना सकता है जैसे किसी ने इसकी गांड में डंडा चढ़ा दिया हो, और इसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। एंड जीतने के बाद भाई मतलब इस जोकर में ऐसा टैलेंट है कि ये ऐसा मुंह बना सकता है जैसे किसी ने इसकी गांड में डंडा चढ़ा दिया हो। लेकिन एक चीज जो एल्विश भाई की आज तक नहीं बदली, उनका दोगलापन। तो इस रोस्ट स्लैश एक्सपोज वीडियो से ये कंक्लूजन निकलता है कि चूतिया हो तुम। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मेरा टाइम हो चुका है, मैं चला सोनी लिप पे शार्क टैंक देखने, बाय। नांड का पता ना गांड का, और ज्ञान ब्रह्मांड।